बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज विकी ओसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए 3 विकेट चटकाए। विकी ने अब तक 5 मैच में 12 विकेट चटकाए हैं। काट अंधोर के बंधन सर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे। ये पंक्तियां महाप्राण की उपाधि से भूषित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित और इनकी जयंती वसंत पंचमी के दिन ही मनाई जाती है। आज की हमारी ये विशेष प्रस्तुति निराला वसंत इस दिन को मनाते हुए और हम सब के प्रिय कवि निराला की कृति उनके जीवन को हम याद करेंगे। एक उत्सव रहेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो विशिष्ट अतिथि मौजूद, परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्राध्यापक हैं, लेखक हैं, शोध पत्र, लेख, कविताएं आदि लिखते रहते हैं और तुलनात्मक अध्ययन आपकी विशेषता है। परिचय करवाना चाहूंगी डॉक्टर सुधा तिवारी के साथ। नमस्कार। लेखिका हैं, कवित्री हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख कविताएं प्रकाशित होती रहते हैं। आलोचक हैं आप और साथ ही बतौर राजभाषा अधिकारी कार्यरत हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, वसंत और निराला के बीच एक गहरा संबंध था, मानो दोनों एक दूसरे के पर्याय हों। तो एक छोटी सी ऑडियो विजुअल प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए। नवोत्कर्ष छाया किसलय वसना नव वय लतिका मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया। ये पंक्तियाँ महाप्राण निराला की हैं जो बरबस वसंत ऋतु में याद आ जाती हैं। बंगाल के महिषादल के रियासत में एक सिपाही राम सहाय तिवारी के पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कोलकाता में 21 फरवरी को 1899 में हुआ था, लेकिन वह मूलतः उन्नाव जिले के गढ़ाकोला के रहने वाले थे। हिंदी कविता को नई दिशा देने वाले निराला छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ ही नहीं, भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख स्वर थे। जयशंकर प्रसाद के बाद जैसे कि हमने कहा, वसंत और निराला एक दूसरे के मानो पर्याय रहे, तो इस विषय पर आपके विचार जानना चाहूंगी। किस तरह से उनकी रचनाओं में वसंत बार बार उभर कर सामने आता है? जी देखिए, हमारा जो देश है वो यात्राओं से बना देश है और हमारी जो महीने और साल है वो हम ऋतुओं में बांट के देखते हैं। जी, तो वसंत जो है वो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही बहुत खास स्थान है इसका। हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी वसंतोत्सव, मदनोत्सव मनाने की अच्छी खासी परंपरा रही है और निराला जी जो हैं उनका जन्म भी वसंत पंचमी के दिन हुआ, तो और निराला का जो मिजाज है उसमें वसंत ऋतु में, जैसे निराला ने ही कहा कि रंग गई पग पग धन्य धरा, तो वो जो कवि एक बेचैनी सी महसूस करता है। ये होता क्या है कि वसंत में जैसे प्रकृति अपना पुराना पैरहन जैसे उतार के रख देती है और फूलों में, पत्तों में वो नया एक उमंग जागता है और कवि के मन में भी ये उमंग जागता है। ये चीज़ आप जूही की कली से लेके वन बेला तक आप ये चीज़ देख सकते हैं इनके अंदर।
और एक चीज़ और है निराला में, वसंत वर्णन में, कि लोग पहले के कवि या बाद के भी कवि वसंत के लिए पौराणिक पात्रों का आलंबन लेते हैं, जैसा कि कुमार संभव का तीसरा सर्ग है इसका क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन निराला जी को आलंबन की जरूरत नहीं थी, प्रकृति को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए उनको किसी आलंबन की कभी जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने प्रकृति को उसी रूप में सामने रखा। उन्हें लगा कि धरती में स्वयं ऐसा सौंदर्य है कि उसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, और धरती की का जो खास गुण है गंध, उससे निराला जी बहुत बहुत करीब से जुड़े रहे। बल्कि फूलों में भी वो कहते हैं गंधहीन अगर फूल है कितना भी सुंदर हो तो उसको वो सीजनल फ्लावर कहते थे, और यही कारण है कि जूही की कली, नरगिस उनके ये प्रिय फूल रहे जो गंध वाले फूल थे। सत्यप्रकाश जी की क्या विचार हैं इस विषय पर, क्यों उन्होंने वसंत को इतना प्राधान्य दिया? उनकी कृतियों में हम अलग अलग रूप में वसंत को देख पाते हैं, बार बार देख पाते हैं। जी देखिए, जब वसंत पंचमी का जिक्र आता है जी, तो ऐसा लगता है कि वसंत पंचमी और निराला एक दूसरे के पर्याय हैं जी, क्योंकि निराला की एक कविता हम सब के जेहन में, वह जो गीत है वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह अपने आप में एक ऐसी कविता है कि जो पूरे वसंत को केंद्र में करके और सरस्वती माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं उनकी आराधना जिस रूप में इन्होंने की है इस काव्य के माध्यम से और तमाम चीज़ों को दिखाया है, अंधकार वगैरह को, जिसका मैंने काफ़ी बड़ा जिक्र हो जाएगा यदि उसका जिक्र करूं तो कविता में जो उसका भाव है, लेकिन संकेतों में मैं यह कहना चाहूँगा कि घर घर में बसंत पंचमी के दिन इसका पाठ अवश्य होता है, और जिस प्रकार वसंत का आगमन एक नया उत्साह नई स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार निराला का जन्मदिन जब हम मनाते हैं, खासतौर से निराला की जयंती पर जी, हमें इनकी कविताओं से जो प्रेरणा मिलती है और जो मन में एक उत्साह भरने की क्षमता विकसित होती है, तमाम अपनी विसंगतियां जो हैं जीवन की और समाज की उन पर विजय पाने की भी कहीं ना कहीं एक जो भावना दिखती है जी, रेखांकित होती है इनके काव्य में, इससे लगता है कि वसंत और निराला दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अगर हम कवि के जीवन की तरफ देखें तो संघर्ष था, काफ़ी अधिक संघर्ष था, और कुल्ली भाट में उन्होंने लिखा है, मैं चंद पंक्तियाँ यहाँ पर उनका जिक्र करना चाहूँगी, कि मैं दाल मऊ में गंगा के तट पर खड़ा था, जहाँ तक नज़र जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी, मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी हैं। संकटमय था ये समय, और इसी से जुड़ी एक और छोटी सी प्रस्तुति दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगी। बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। 1819 में स्पैनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जागो फिर एक बार, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी जैसी कविता लिखने वाले निराला ने अद्भुत सुंदर गीत भी लिखे। संगीत के गहरे जानकार निराला की रचना वर्दी वीड़ा वादिनी और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु अमर रचना बन गई। कोलकाता के बाद एक और पक्ष था निराला का कविताओं की, जब बात करते हैं जैसे कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जो कविता पढ़ी वो छंद में पढ़ी, या कहना चाहिए सुर में पढ़ी, तो ऐसी कई कविताएं हैं आपकी जिनका एक सांगीतिक रूप है, उनको भी संगीत की जानकारी थी ये हम जानते हैं, इस बात से भलीभांति अवगत हैं, तो इस पक्ष के बारे में, सांगीतिक पक्ष के बारे में आपके विचार जानना चाहूँगी, आप किस प्रकार देखते हैं सत्यप्रकाश जी? देखिए, हम सब जानते हैं कि निराला मुक्त छंद की वकालत करते थे। जी जी, मुक्त छंद के मामले में निराला का नाम काफ़ी
प्रचलित है। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ही रास्ता दिखाया। हाँ, उन्होंने, वे प्रणेता थे उसके। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि गीत की जानकारी, संगीत की जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने करीब 300 से अधिक गीत लिखे हैं निराला ने। जी। यह अलग बात है कि, और एक दुखद पक्ष भी है इसका, कि निराला के जीवन में निराला पर जितनी बात होनी चाहिए थी, अपने जीवन में ही वे इतना प्रसिद्ध हो चुके थे, उनके गीत भी गाए जाने लगे थे, लेकिन उतनी बातें नहीं हो पाई। निराला के जाने के बाद निराला पर जितनी बात हुई और वे गीत भी हमारे सामने आए, जैसे दो एक का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। उसमें बादल रात को आप ले सकते हैं, या बांधो न नाव विष्ठाओ बंधु, इसे दो चार पंक्तियां मैं, प्रचलित हैं ये कविता, बहुत प्रचलित हैं, जिनको सुर में बांधा गया, एकदम सुर में बांधा गया। और अभी तो आपको मैं बताऊं, कई ऐसे गायक हैं हमारे हावड़ा में भी, अजय राय जी हैं जो निराला के गीतों को, जिन्होंने स्वर दिया है और बहुत सुंदर से गाते हैं, कई कवियों को निराला के भी गीतों को उन्होंने स्वर दिया है। कुछ जैसे एक गीत है इनका, बांधोन नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, या घाट वहीं जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी हंसकर, वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। या फिर उसी तरह से आप बादल राग में यदि चले जाएं, तो बादल राग, जाहिर है कि बादल राग के बारे में मैं कुछ कहूं तो एक बात कहना चाहूंगा कि निराला इस बंगाल की सस्य श्यामला भूमि पर ही उनका अधिक समय बीता, उनका बचपना कह लीजिए, यौनावस्था कह लीजिए। और चूंकि बंगाल की भूमि और यहाँ के मौसम से, सस्य श्यामला भूमि से हम सब परिचित हैं जी, और यहाँ किस तरह से बारिश होती है, प्रकृति की छटाएं जगह जगह पर, खासतौर से महिषा दल का जो जिक्र है जी। लेकिन इसके साथ ही साथ वे अपनी पैतृक भूमि बैसवाड़े की भी याद करते हैं। बादल राग जो कविता है उसमें ये मिला जुला रूप है जी। जैसे कुछ पंक्तियां मैंने आपके समक्ष रखना चाहूंगा, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झर 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 निर झर गिर सर में, घर मरु मर तरु मर मर सागर में। तो इस तरह से जो पंक्तियां हैं यह इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि निराला मुक्त छंद के प्रणेता थे, छायावादी कवियों में सबसे एक प्रमुख स्तंभ थे जी। लेकिन गीत की जानकारी भी उन्हें बहुत अधिक थी, और तमाम राग आप देखिएगा उनके तमाम जी। गीतों में आपको अलग अलग तरह से रागों की विविधता दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं तो कविताओं में उन्होंने किस ताल में आबद्ध है वो कविता, ये भी एकदम सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना डॉक्यूमेंटेशन एकदम, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो यहाँ भी एक द्वंद्व आ जाता है, जैसे कि आपने कहा कि ये तो सांगीतिक पक्ष रहा जहाँ सुर है, ताल है, छंद है। और सुधा से मैं पूछना चाहूंगी कि आप एक ऐसी कविता सुनाइए, खासतौर पर मेरी ये फरमाइश है, जूही की कली अगर आप सुनाए, क्योंकि वो फिर मुक्त, एक उन्मुक्तता है वहां पर, जिसकी बात बार बार कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी कि उन्होंने इसका सूत्रपात किया, मुक्त छंद की जो कविताएं हैं उसका सूत्रपात किया। तो आपसे सुनना चाहूंगी चंद लाइनें। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि निराला मुक्त छंद की तरफ उन्मुख हुए क्योंकि उन्हें लगा कि जो उनका कथ्य है वो उस जो छंदबद्ध जो पद्धति थी पुरानी उसमें नहीं आ रही थी। और जैसा कि सत्य प्रकाश जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं थी, वो बहुत जानकार थे और उन्होंने 300 से अधिक गीत भी लिखे। लेकिन इसके अलावा उनकी जो मुक्त छंद की जो कविताएँ हैं उसमें भी एक खास तरह की लय है। बिल्कुल। तो जूही की कली भी वैसी एक कविता है आप कह रही हैं, तो सही बात। ठीक है। वीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। त्रिग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रियासंग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। क्या बात, जिसे कहते हैं मलयाली। याद आई बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। वाह, फिर क्या, बहुत
पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। सोती थी जानो सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। बहुत इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं निद्रालस बंकीम विशाल नेत्र मूंदे रही किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो काव्य संग्रह परिमल के मुखबंध में भी ऐसा कवि ने लिखा है कि मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति तलाशता है जी उसी तरह से जो कविता है वो भी मुक्त होना चाहती है, उसको उन्मुक्त कर दो। बिल्कुल, तो ये साफ उभर कर आती हैं बातें उनकी रचनाओं में जब मुक्त छंद की जहाँ तक बात है। एक और पक्ष है कवि का, वो मैं यहाँ पर उसका जिक्र छेड़ना चाहूँगी। मुझे लगता है कि उनके समसामयिक साहित्यकारों और कवियों की जहाँ तक बात है तो कल्पना और यथार्थ का इस्तेमाल अगर हम देखें तो कल्पना से ज़्यादा यथार्थ को निराला जी ने तवज्जो दी, प्राधान्य था हमें मिला है और कुछ एक उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं हैं जहां पर ये बात उभर कर सामने आती है, तो कुछ अगर आप कहना चाहें सत्यप्रकाश जी। देखिए, इस संबंध में मैं एक कविता का जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जी, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। आप देखेंगे कि इस कविता में यथार्थ का हूबहु चित्रण हुआ है। बिल्कुल सही बात, और खास तौर से जब जिससे यथार्थ और कल्पना की आप बात कर रही थी और छंदबद्धता और मुक्त छंद की बात कर रही थी, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा महसूस होता था कई लोग की जो छंदबद्ध कविताएं होती थी उसको ही कविता की श्रेणी में, उसे ही कविता की श्रेणी में रखने के लिए लोग उसको मान्यता देते थे अधिक, कई लोग ऐसा जी। लेकिन निराला ने उस परंपरा को तोड़ा और मुक्त छंद के मामले में, या निराला की एक बड़ी खुशी बड़ी खूबी है जी और एक कामयाबी भी है, इसी संदर्भ में मैंने वह तोड़ती पत्थर कविता का जिक्र भी किया। कविता को उन्मुक्त कर दो जी, जी, जी। बांधना नहीं है, नहीं, नहीं। बंधन से मुक्त कर, बंधन से मुक्त भाव रहने चाहिए उसमें। आप निराला की कविताएं देखिए जो माने उसमें आप देखेंगे कि भाव पूरे भरे हुए हैं, एकदम कविता अपने आप में इतनी समृद्ध है जी। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि खालीपन है। बिल्कुल सही बात, और वो तोड़ती पत्थर आपने कविता की चंद लाइनें हमें सुनाई तो यहाँ इलाहाबाद का जिक्र जी, है जी, और इलाहाबाद तो निराला जी के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो इस पर भी एक छोटी सी प्रस्तुति कार्यक्रम जारी है। निराला वसंत बनारस में रहने वाले निराला के जीवन के अंतिम 20 वर्ष इलाहाबाद में बीते। बनारस में उनकी मुलाकात रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद से हुई और दोनों का स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ। 1948 में निराला की स्वर्ण जयंती काशी में मनाई गई और एक बड़ा साहित्यिक मेला आयोजित हुआ था। चर्चा में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी और डॉक्टर सुधा तिवारी। निराला वसंत आज की ये खूबसूरत चर्चा जारी है, आज है वसंत पंचमी और निराला की जयंती भी, और बातें हो रही हैं अलग अलग आयाम की जिन्हें शायद इतने कम समय में समेटना संभव नहीं है। लेकिन आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे प्रिय कृति कौन सी है और अगर उनमें से चंद लाइनें दोनों अगर आप सुना पाएं, सबसे अच्छी कौन सी कविता या फिर वैसे तो कई कविताएं हैं देखिए, लेकिन खास तौर से मैं दो कविताओं की बात मैं करना चाहूँगा, एक राम की शक्ति पूजा जी और सरोज स्मृति। मैं क्यों बात करना चाहता हूँ यह भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा जी। देखिए, सरोज की मृत्यु से वे बहुत दुखी थे, बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल निराला जी पिता के सामने संतान चली जाए इससे बड़ा दुख और क्या होता है। लेकिन जब वे कवि के रूप में
कवि के रूप में सरोज स्मृति की रचना करते हैं तो आप देखिएगा कि निराला पूरे तरह से निर्वैयक्तिक हो जाते हैं जी। वह पिता का जो रूप है वह उस रूप में वहाँ पर उस सरोज स्मृति में आपको नहीं दिखेगा और एक निर्वैयक्तिकता का आभास भी आपको वहाँ पर दिखाई पड़ता जी, है जी। और सबसे बड़ी बात यह है इस रचना में मुझे लगता है और मुझे इसलिए मुझे पसंद है, आपने पूछा ना पसंद क्यों है, वो कारण भी मैं बता रहा हूँ, बताना चाहूँगा कि सरोज स्मृति को पढ़ते समय जो पाठक के मन में जो शोक उत्पन्न होता है, शोक गीत है सरोज स्मृति, लेकिन शोक जो है वो शक्ति में भी परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यदि शोक शक्ति में परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई देता तो निराला उस प्रकार सरोज स्मृति को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते और यही कारण है कि निराला के निर्वैयक्तिकता के भी दर्शन हमें होते हैं। और जहाँ तक राम की शक्ति पूजा का भी मैंने जिक्र किया, राम की शक्ति पूजा की वह लाइन मुझे बहुत पसंद है जब निराला लिखते हैं वह रहा एक मन और राम का जो न थका। यह एक पंक्ति आप देखेंगी कि मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है, बड़े से बड़े संकट को पार कर जाने के लिए काफी है। बिल्कुल सही। तो निराला ने जो चंद पंक्तियों में चंद शब्दों में इस तरह की जो बातें कही हैं वो किसी भी थके हारे व्यक्ति के लिए भी, दुखी व्यक्ति के लिए भी एक नए उत्साह का काम करती है, मुझे लगता है इसीलिए यह दोनों रचनाएं मुझे काफ़ी पसंद है। पसंद है। सुधा क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मेरे मन की बात छीन ली सर ने। ये कविताएं तो सरोज स्मृति तो क्लासिक है, सृजनात्मकता को, कवि की जो सृजनशीलता है उसको एक अलग आयाम देती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शोक गीत में इसका एक अलग ही स्थान है। बिल्कुल। रामविलास शर्मा ने इसे किंग लियर से इसकी तुलना की शेक्सपियर के, उन्होंने कहा कि हिंदी में ही नहीं विश्व साहित्य में ऐसा शोक गीत दुर्लभ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इसका स्थान है। और एक चीज मैं मुझे ये दोनों कविताएं जुड़ती हैं एक साथ निराला के व्यक्तित्व में, ये दोनों का जो रचना काल है लगभग एक ही है 1935-36 के समय की हैं ये दोनों कविताएं। और इन दोनों में ही एक और कविता है तुलसीदास, कवि का जो युगीन चेतना है, युगीन संपृक्ति है और साथ ही उसका वैयक्तिक जो व्यथा दुर्दिन से वो जूझ रहे थे, वो जो स्वयं का जो संघर्ष था वो बिल्कुल एकमय हो जाता है यहाँ पे। तो जब वो लिखते हैं सरोज के लिए कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो कहीं ना कहीं ये निराला का पूरा व्यक्तित्व इसमें समा जाता है। और जो दूसरी कविता है राम की शक्ति पूजा, वो बहुत सुंदर कविता है और उसमें कवि की जो रचना कर्म है वो तीन स्तरों पे चल रहा है। एक तो वो युग है 1936 का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की त्रासदी का समय है। दूसरा, भारत में भी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, अंग्रेजों ने कुछ प्रलोभन कहिए या जो भी कहिए उन्होंने दिया था कि आपको इसके बाद आपकी आज़ादी मिलेगी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। भारतीय जनमानस के पास भी सामने भी एक प्रश्न है कि डू और डाई वाली जो स्थिति है, जो परिस्थिति है कि क्या किया जाए, क्योंकि आगे संघर्ष लंबा है अगर हम शुरू करते हैं तो। बिल्कुल। यही परिस्थिति राम के सम्मुख भी है जी। राम की शक्ति पूजा वैसे तो कृतिवास रामायण पे आधारित है जी। परंतु इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि राम के राज्य पे नहीं है ये केंद्रित, युद्ध पे नहीं है रावण के, ये सीता इसके केंद्र में है, राम का जो आत्मशंस है वो है इसके केंद्र में, वो युद्ध करने के पहले के का जो संघर्ष होता है जो अर्जुन के मन में था वो है इसके केंद्र में। तो ये लाइनें मैं सुनूंगी जरूर, कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाना चाहें, लेकिन उससे पहले हमारी एक और प्रस्तुति, एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, क्योंकि हम कृतियों की बात कर रहे हैं कवि निराला की, तो लीजिए दर्शकों के लिए एक और छोटी सी विशेष प्रस्तुति। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला किताब 1948 में लिखी। बाद में रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नामक आलोचना 3 खंडों में लिखी, जिसके बाद निराला हिंदी कविता के प्रतीक बनकर अमर हो गए।
15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अणिमा और अपरा उनकी प्रमुख कृतियाँ रहीं। उन्होंने 8 उपन्यास भी लिखे और कई कहानी संग्रह भी उनके आए। चतुरी चमार, बिल्ले सुर बकरीहा जैसी पुस्तकों में उन्होंने समाज के वंचित वर्ग की आवाज़ उठाई। निराला का वसंत प्रेम इन शब्दों में फिर जगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। चर्चा का विषय निराला वसंत, महाप्राण महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आज हो रही है बातचीत। डॉक्टर सुधा तिवारी और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। और सुधा, आपसे कुछ पंक्तियां मैं सुनना चाहूंगी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस कविता की। जी बिल्कुल, जैसा कि हम कह रहे थे कि राम की शक्ति पूजा में तीन स्तरों पर संघर्ष चल रहा है। राम का संघर्ष है, निराला का व्यक्तिगत दुर्दिन और युगीन संघर्ष भी है। तो उस पे पूरी कविता तो यहाँ कहना मतलब पाठ करना समय भी ज़्यादा शेष नहीं, तो उससे उस पे ही जो मौजूद है वो पंक्तियाँ मैं कहूँगी। और सत्य प्रकाश जी ने भी कहा कि एक और एक रहा मन राम का और भी, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पुण्य समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हत चेतन राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रमन। इसके बाद राम को याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी और वो प्रस्तुत होते हैं अपने नयन देवी को अर्पित करने के लिए। तब देवी उनको रोकती हैं और आशीर्वाद देती हैं, जो कविता का अंतिम लाइन है, बहुत सुंदर है जी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये जिस तरह के संघर्ष में निराला थे और उस समय ऐसी पंक्ति लिखना, ये बहुत बड़े जिगर की बात है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। तो ये वाला जो मतलब स्टैंजर्स है वो मेरे फेवरेट रहे हैं शुरू से ही। बहुत खूब कहा आपने, और क्योंकि वसंत पंचमी का आज दिन है और निराला जी को हम याद कर रहे हैं, तो एक और कविता मुझे याद आती है, चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। समय सीमा अब यहीं पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।